नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आशीष है। पेशेंट अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं 30 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज है। फर्स्ट नंबर से स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर है आपका, कुल्लू घाटी किसके मध्य स्थित है? ये ऑप्शन ए सही है आपका, लद्दाख और पीर पंजाल के मध्य। नेक्स्ट चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पर, केरल के तट को क्या कहते हैं? तो बताइए दोस्तों क्या कहते हैं, ये ऑप्शन बी सही है आपका, मालाबार तट। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बताइए दोस्तों कौन सी होगी, जो ऑप्शन सी सही है आपका, माउंट सैडर। नेक्स्ट चलते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे, जो जिला दर्रा किसको जोड़ता है? तो बताइए दोस्तों किसको जोड़ता है, जो ऑप्शन ए सही है आपका, श्रीनगर और लेह को। नेक्स्ट है फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, पूर्वी हिमालय की तुलना में वृक्ष रेखा का ऊंचाई मान पश्चिमी हिमालय में होता है? तो बताइए दोस्तों कैसा होता है, जो ऑप्शन बी सही है आपका, कम होता है। नेक्स्ट चलते हैं सिक्स नंबर क्वेश्चन पे, पुरातन काल में हिमालय के स्थान पर कौन सा सागर विद्यमान था? जो ऑप्शन सी सही है आपका, टेपिस सागर। नेक्स्ट चलते हैं सेवेंथ नंबर क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में कौन अक्साई चिन्ह का भाग है? तो बताइए दोस्तों कौन सा होगा, जी ऑप्शन डी सही है आपका, लद्दाख पठार। नेक्स्ट चलते हैं एट्थ नंबर क्वेश्चन पे, कायांतरण चट्टानों में क्या परिवर्तन कर देता है? तो बताइए दोस्तों क्या होगा, जो ऑप्शन सी सही है आपका, ए और बी दोनों, यानी कि संरचना और गठन दोनों में परिवर्तन कर देता है। नेक्स्ट चलते हैं नाइन्थ नंबर क्वेश्चन पे, अधिकांश भूपर्पटी किस सेल से बनी है? बताइए दोस्तों किस सेल से बनी है, जी ऑप्शन ए सही है आपका, आग्नेय सेल से। नेक्स्ट चलते हैं टेंथ नंबर क्वेश्चन पे, जब ग्रेनाइट की चट्टानों का कायांतरण होता है तो वे किस में परिवर्तित हो जाते हैं? तो बताइए दोस्तों किस में परिवर्तित हो जाते हैं, जी ऑप्शन सी सही है आपका, नीस में। नेक्स्ट चलते हैं इलेवंथ नंबर क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन सा वित्तीय आग्नेय सेल का उदाहरण है? तो बताइए दोस्तों कौन है, जी ऑप्शन बी सही है आपका, ग्रेनाइट। नेक्स्ट चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पे, बलुआ पत्थर किस प्रकार की चट्टान है? तो बताइए दोस्तों किस प्रकार की चट्टान है, जो ऑप्शन डी सही है आपका, औषधि चट्टान। नेक्स्ट चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पे, ऑब्सीडियन एंडेसाइट गैब्रो और पेरोडाइट क्या है? तो बताइए दोस्तों क्या है ये, जो ऑप्शन सी सही है आपका, बहिर्वेधी चट्टान है। नेक्स्ट चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पे, राज तरंगड़ी के लेखक कल्हण के समय शासक कौन थे? तो बताइए दोस्तों कौन थे, जो ऑप्शन ए सही है आपका, जय सिंह। नेक्स्ट चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पे, पृथ्वीराज चौहान ने किसके साथ विवाह किया था? दोस्तों तो ये बहुत ही आसान सा सवाल है, ये ऑप्शन सी सही है आपका, संयोगिता। नेक्स्ट चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ राणा कुंभा की रचना नहीं है? तो बताइए दोस्तों कौन सी रचना नहीं है, ये ऑप्शन डी सही है आपका, काला निधि। बाकी जो तीन रचना है, रसिक प्रिया, सुधा प्रबंध और नृत्य रत्नों को, जो है राणा कुंभा की रचनाएं थी। नेक्स्ट चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पे, मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 ईस्वी में उत्तर भारत पर विजय प्राप्त की थी? बताइए दोस्तों किसने की थी, जो ऑप्शन सी सही है आपका, शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने। नेक्स्ट चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पे, जजाक भुक्ति का प्राचीन नाम क्या था? तो बताइए दोस्तों क्या था, जो ऑप्शन बी सही है आपका, बुंदेलखंड। बुंदेलखंड को पहले जो है जजाक भुक्ति के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पे, हिंद की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो बताइए दोस्तों किसने किया था, ये ऑप्शन डी सही है आपका, अरबोन। दोस्तों आप भी कमेंट बॉक्स में मैसेज करते रहिए कि अभी तक आपने कितने अटेम्प्ट सही किए हुए हैं। नेक्स्ट चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पे, मोहम्मद गौरी को सर्वप्रथम किसने पराजित किया था? तो बताइए दोस्तों किसने पराजित किया था, जी ऑप्शन ए सही है आपका, भीम द्वितीय ने। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 21 नंबर क्वेश्चन पे, दिल्ली शहर की स्थापना किसने की थी? बताइए दोस्तों किसने की दिल्ली शहर की स्थापना, जी ऑप्शन सी सही है आपका, तोमर वंश ने। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 22 नंबर क्वेश्चन पे, मयूर सिंहासन पर आसीन होने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? ऑप्शन बी सही है आपका, मोहम्मद शाह। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 23 नंबर क्वेश्चन पे, प्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास था, बताइए कहाँ था उनका मूल निवास? ऑप्शन ए सही है आपका, आगरा में। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 24 नंबर क्वेश्चन पे, 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? बताइए दोस्तों कौन था, जी ऑप्शन ए सही है आपका, खान बहादुर खान। नेक्स्ट चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन पे, भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? तो बताइए दोस्तों कौन था, ऑप्शन डी सही है आपका, SN सेन। नेक्स्ट चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 की क्रांति का नेता था? तो बताइए दोस्तों कौन कौन था, ये ऑप्शन ए सही है आपका, दीवान मनीराम दत्त।
नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 27 नंबर क्वेश्चन पे। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी? तो बताइए दोस्तों कौन सा राजवंश था वो। ये ऑप्शन ए सही है आपका, ग्वालियर के सिंधिया। नेक्स्ट चलते हैं 28 नंबर क्वेश्चन पे। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो बताइए दोस्तों कब की थी ब्रिटिश राज को नियंत्रण में लेने की घोषणा। जो ऑप्शन ए सही है आपका, 1 नवंबर 1858 ईस्वी में। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 29 नंबर क्वेश्चन पे। 1857 की क्रांति में बिहार में विद्रोह का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो बताइए दोस्तों कौन सा था। जो ऑप्शन डी सही है आपका, जगदीशपुर। और दोस्तों ये आज की टेस्ट सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, 30 नंबर क्वेश्चन। औरंगजेब द्वारा 1660 ईस्वी में किसको शिवाजी की बढ़ती हुई शक्ति का दमन करने के लिए नियुक्त किया गया था? तो बताइए दोस्तों किसको नियुक्त किया गया था। ये ऑप्शन ई सी सॉरी ऑप्शन सी सही है आपका, शाइस्ता खां। तो दोस्तों इसी के साथ आपकी ये आज की 30 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज जो है समाप्त होती है। तो दोस्तों आपको ये टेस्ट क्वेश्चन सीरीज आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और साथ ही साथ आप ये भी बताएं कि आपने 30 में से कितने सही अटेम्प्ट किए हुए हैं। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।